सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फिलहाल जो हमारे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल चल रही है, और ऐसे में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि आप लोग जैसे अपने किसी भी आईफोन डिवाइस या फिर कुछ और एंड्रॉयड फोन या फिर मोटरोला सीरीज के डिवाइसेस को खरीदने चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है कुछ ऑफर्स देखने को मिलते हैं। बट आप लोगों को वहाँ पे जो डिस्काउंट ऑफर होते हैं, वो आप लोगों को किस प्रकार से अप्लाई करने हैं, लगाने, वो सब चीजें आप लोगों को नहीं मालूम होती। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो डिस्काउंट ऑफर है, आप लोगों को किस तरीके से अपनी बिग बिलियन डे सेल के अंदर लगाने हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, और आप लोगों को इसके अंदर क्रेडिट कार्ड यूज करने के साथ साथ आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो कैसे वर्क करता है, सब कुछ आपको डिटेल्स में इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताते हैं कि आखिर आपको डिस्काउंट ऑफर जो है वो किस प्रकार से अपने क्रेडिट कार्ड द्वारा अप्लाई करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के अंदर आपको जो डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उसको यूज करने के बाद, अगर आप लोगों के यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन डे सेल चल रही है, आपके क्रेडिट कार्ड से जो डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है और मेरी ट्रिक यूज करने के बाद आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आप लोगों को आपका जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर किस प्रकार से आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस, मेरे सामने कुछ इस तरीके से जो इंटरफेस हुआ मेरे को शो होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आईफोन 15 को यहाँ पे बाय करने जाता हूँ, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, आपके जो फ्लिपकार्ट के अंदर जो डिस्काउंट ऑफर है क्रेडिट कार्ड, वो आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे पता करना है, कहाँ पे कितना जो डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप लोगों को शो होता है। अब आप लोगों को यहाँ पे अगर आप ईएमआई से आप लोग इसको बाय करने जाते हैं, तो आपको 6 महीने की ईएमआई यहाँ पे देखने को मिलती है और 9,167 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को जो यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे की साइड आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑल ऑफर एंड कूपन्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जितने भी ऑफर्स होते हैं वो सभी के सभी शो हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो HDFC का क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर हमें 3,500 रुपये की छूट मिल रही है अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और हमारा जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक है उसके ऊपर हमें 2,750 रुपये की जो यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर है, बैंक ऑफर है, वो देखने को मिल रही है। और अगर EMI ऑफर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का जो EMI ऑफर देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों को इन ऑफर्स को किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए आप लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रीड कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को बैक आना होता है। बैक आने के बाद गाइस, आप लोग यहाँ पे मान लीजिए HDFC के क्रेडिट कार्ड से इसको बाय करने जाते हैं, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है पेमेंट वाले ऑफर्स पे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बाय नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसकी पैन कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू आप लोगों को कर देना है। करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से अब जो वो इंटरफेस है वो उस तरीके से शो होता है। अब आपको जो डिस्काउंट ऑफर होगा वो सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर शो हो जाएगा। आप लोग जैसे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो आप लोग जिस भी ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे इसको बाय करना चाहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों अपना HDFC का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे CV वगैरह डाल के जो आपका डिस्काउंट ऑफर होगा वो आप लोगों को यहाँ पे शो कर देगा, और अपना डिस्काउंट ऑफर अप्लाई करके आप लोग आसानी से अपने डिस्काउंट को अप्लाई करके मोबाइल फोन को बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्काउंट ऑफर है वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों को आपका जो डिस्काउंट ऑफर है वो अप्लाई कर लेना है इस वीडियो के अंदर। जैसे आपको मैंने बताया, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ऑफर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑफर्स और कूपन कोड वाले ऑफर्स। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे आपके जितने भी यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स होंगे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, वो सभी के सभी आप लोगों को वहाँ पे शो हो जाएंगे। और आप लोग अपने जिस भी HDFC कार्ड या SBI कार्ड, जिससे भी आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से जो है मोबाइल फोन्स या किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हो, आप लोग वहाँ पे डाल देना, और उसके साथ ही आपको जो डिस्काउंट होते हैं वो आपको वहाँ पे शो हो जाते हैं, और उस हिसाब से आपको जो डिस्काउंट है आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जो अपने डिस्काउंट ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं।